The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा application download aap kar sakte hain. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application: video lecture course and study material course. So video lecture course mein aapko sari ki sari cheeze milti hai: video lectures, PDF study material, mock test, previous year question paper, everything. Study material course mein aapko sirf aur sirf study material, previous year question papers aur mock test milte hain. Video lectures usme included nahi hote hain. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मॉर्फीन. ओके, हम पढ़ रहे हैं मॉर्फीन. एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉर्फीन क्या है, मॉर्फीन इज एन अल्कलॉइड. सो अल्कलॉइड बोलते ही आपको ये समझ जाना है कि ये कहाँ से आएंगे. ये आएंगे प्लांट से. मैंने ये बताया हुआ है कि अल्कलॉइड क्या होता है. अल्कलॉइड प्लांट के केमिकल्स होते हैं. सो यहाँ पे प्लांट कौन सा है जिससे मॉर्फीन आएगी. सो प्लांट है आपका पॉपी प्लांट. ठीक है, पॉपी प्लांट हम इसे कहते हैं. एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सेमिफेरम. ओके, सो ये आपकी प्लांट है एंड जो ये एल्कलॉइड है मॉर्फीन. सो और भी बहुत सारे एल्कलॉइड्स पॉपी प्लांट में होते हैं, बट आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मॉर्फीन के बारे में. ठीक है, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई पर्सन एसोसिएटेड होता है उस एलिमेंट को डिस्कवर करने में या फिर उसको कोई ना एक पर्टिकुलर नाम देने को. ओके, सो जो मॉर्फीन है, जैसे कि मैंने बोला इट इज़ एन अल्कलॉइड. सो ये जो अल्कलॉइड है मॉर्फीन, ये प्लांट से आ रहा है, पॉपी प्लांट से. और ये सबसे पहले आइसोलेट कब किया गया, ये आइसोलेट कब किया गया, जो रॉ ओपियम है उससे आइसोलेट किया गया इन 1805 बाय जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट. ठीक है, एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1805 में रॉ ओपियम से आइसोलेट किया मॉर्फीन. और इनका नाम क्या था, हमारे सर एडम, फ्रेडरिक विलहम एडम स्टर्नर. ये इनका पूरा नाम था बट हम इन्हें सर एडम या फिर विलहम एडम या फ्रेडरिक एडम के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो ये साइंटिस्ट थे, ये एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे. साइंटिस्ट इन अ सेंस लाइक उन्होंने रिसर्च करी थी बट वो पर्टिकुलरली फार्माकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने 1805 में आइसोलेट करी थी मॉर्फीन फ्रॉम द रो ओपियम. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हुई 1805 में. इसके अलावा जो मॉर्फीन है, इट इज़ अ पोटेंट सप्रेसर ऑफ पेन. इट इज़ अ पोटेंट सप्रेसर ऑफ पेन. अब सप्रेसर ऑफ पेन मतलब क्या, आपके पेन को सप्रेस करता है. पोटेंट मतलब स्ट्रांगली, कितना भी स्ट्रांग पेन हो उस स्ट्रांग पेन को स्ट्रांगली मॉर्फीन सप्रेस कर सकता है. एंड इट इज़ वेरी यूजफुल ड्रग इन पेनफुल कंडीशंस. ठीक है, सो ये पेनफुल कंडीशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, स्पेशली इन सीवियर चेस्ट पेन. सीवियर चेस्ट पेन अराइजिंग ड्यू टू हार्ट अटैक्स एंड इट इंड्यूस स्लीप क्विकली. ठीक है, ये स्लीप क्विकली इंड्यूस करते हैं एंड सीवियर पेन में भी यूजफुल होते हैं. ठीक है, कोई सीवियर पेन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो अबाउट द रियालिटी, मैंने ऐसा सुना है, मे बी आई थिंक आई सॉ दिस थिंग इन सम मूवी और समथिंग. बट जो लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिलिट्री में होते हैं एंड देन गोली लग जाती है किसी पर्सन को, बहुत ही इमर्स एंड एक्सट्रीम पेन होता है. तो उस मूवी में कोई ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने उन्हें मॉर्फीन दी थी. मॉर्फीन क्यों दी थी, ताकि उस पर्सन को वो पेन फील ना हो बिकॉज उसे गोली लगी थी. ये एग्जैक्टली किसी मूवी का सीन है, आई एम नॉट गेटिंग दिस एट दिस मोमेंट, बट ऐसा कुछ था.
ठीक है। सो ये मैं बताना चाहती हूँ इससे कि जो मॉर्फीन है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सप्रेसर ऑफ पेन, ठीक है। एंड इसके अलावा ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, बहुत ही क्विकली स्लीप इंड्यूस करने का काम करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर जब मॉर्फिन हमने डिस्कवर कर लिया उसके 18 ईयर्स के बाद, इट वॉज यूज फॉर होमिसाइड। होमिसाइड मतलब क्या, आप फॉरेंसिक के बच्चे होमिसाइड का मतलब जानते हैं, एंड जो बच्चे फॉरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें मैं बता दूँ, होमिसाइड इज विल फुल किलिंग ऑफ समवन, ठीक है, विलफुल किलिंग। अगर मैं प्लान करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फ्रेंड है एंड आई डोंट लाइक हर, या मे बी आई यूज टू लाइक हर बट नाउ आई डोंट लाइक हर, सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे जान से मार दूँ, तो क्या होगा। अगर मैंने प्लान बनाया, मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है लेट्स गो आउट लेट्स ईट एंड कुछ भी मैंने प्लान बनाया एंड मैंने उसके फूड में या फिर ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स कर दी जिससे कि डेथ इंड्यूस हो जाए, सो दिस इज होमिसाइड। ये भी एक होमिसाइड है। ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई फैंसी वेपन्स या नाइफ या फिर गन इन सब चीज़ों को यूज़ करना पड़े टू मेक दिस थिंग अ होमिसाइड। होमिसाइड इज़ विलफुल किलिंग जिसमें मेरा माइंड इज कम्प्लीटली इंटू इट बिकॉज आई नो दिस इज़ अ रॉन्ग एक्ट, ठीक है। मैंने कई बार बताया है क्लासेस में कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, ह्यूमन होता है एलिमेंट ऑफ क्राइम, एक्टस फ्रीएस, मेंस फ्रीएस एंड इंजरी, ये सारी चीज़ें मिलके क्राइम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, पर्सन भी मौजूद है मैं, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा लॉ बाउंड कर सकता है, मेरा माइंड गिल्टी है बिकॉज आई वॉन्ट टू किल हर, मैंने वो गिल्टी एक्ट भी किया बिकॉज आई मिक्स्ड पॉइजन इन हर इन द फूड और ड्रिंक, तो ये होमिसाइड हुआ, ठीक है। होमिसाइड के अलावा देखो, जब भी हम फॉरेंसिक की बात करते हैं तीन चीज़ें हो सकती है, होमिसाइडल एक्टिविटी, सुसाइडल एक्टिविटी और एक्सीडेंटल एक्टिविटी। सुसाइडल एक्टिविटी इज समथिंग जिसमें कोई पर्सन ने किसी पर्सन को, अगर मैंने गलती से भी किसी पर्सन को मार दिया तो दैट इज़ होमिसाइड, ठीक है। आई डोंट वॉन्टेड टू किल समवन बट बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ एनी थिंग, अगर उस पर्सन का किल मैं अगर मैं उस पर्सन को मार देती हूँ या फिर द किलिंग हैज़ बीन डन, सो दैट इज़ एन होमिसाइड, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रही थी, वापस से टॉपिक में आते हैं, मॉर्फिन के डिस्कवरी के 18 ईयर्स के बाद, 18 साल के बाद जो मॉर्फिन है वो होमिसाइड में यूज़ किया गया, किसी पर्सन को मारने के लिए हमने मॉर्फिन यूज़ कर दिया। इन 1823 अ 27 ईयर ओल्ड फ्रेंच डॉक्टर एडम जो थे, ही मिक्सड मॉर्फिन इन द वाइन एंड गिव मिक्सड मॉर्फिन इन अ वाइन एंड गिवन टू हिज फ्रेंड जिसका नाम था ऑगस्टिन, उसे मारने के लिए। सो ये एक डॉक्टर थे, तभी उन्हें मॉर्फिन के बारे में पता था, उन्होंने क्या किया, मॉर्फिन को मिक्स किया किसमें, मॉर्फिन ही मिक्सड मॉर्फिन इन द वाइन, तो वाइन क्या है, एल्कोहल है, इन्होंने एल्कोहल के साथ मॉर्फिन को मिक्स किया और अपने फ्रेंड को दे दिया टू किल दैट पर्सन, ठीक है। इन फैक्ट द नेम मॉर्फिन कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म जिसका मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ ड्रीम्स, क्या होता है, गॉड ऑफ ड्रीम्स जिनका नाम था मॉर्फियस। सो गॉड ऑफ ड्रीम थे मॉर्फियस, देखो जो ग्रीक कल्चर है उसमें ऐसे ही नाम दिए जाते हैं, तो एक गॉड होते थे जिनका नाम था मॉर्फियस जो कि थे गॉड ऑफ ड्रीम, सो इसी ग्रीक वर्ड से हमने इसे मॉर्फिन कहा, ठीक है। इंसिडेंटली मॉर्फियस वॉज द सन ऑफ हिप्नोस, द ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप एंड द आवर वर्ल्ड हिप्नोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम इट, ठीक है। ये एक और एलिमेंट है, एक और नॉलेज आपको मिल रही है। हाइपनोस वॉज ऑल्सो ब्रदर ऑफ थानाटोस, दैट वॉज गॉड ऑफ डेथ, थानाटोलॉजी हम पढ़ते हैं, ठीक है। थानाटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ डेथ। लॉजी का मतलब मैंने कई बार बताया हुआ, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, तो यहाँ पे लॉजी लगी है स्टडी ऑफ डेथ, थानाटोस। थानाटोस वॉज गॉड ऑफ डेथ, सो ये डेथ है। हिप्नोस जो थे वो उनके भाई थे, सो इससे वर्ड आया हिप्नोसिस, दैट इज नथिंग बट स्लीप। एंड यहाँ पे मॉर्फियस थे,
ठीक है, मॉर्फियस हिप्नोस का बेटा हुआ करता था उनके एंशियंट वर्क में. सो वो था गॉड ऑफ ड्रीम, क्योंकि सोने के बाद ही सपने आते हैं, राइट. सो ऐसी कुछ स्टोरी थी. तो दिस इज द हिस्ट्री कि ये नाम हमें कहाँ से मिला. मॉर्फिन नॉट ओनली ब्रिंग्स स्लीप एंड ड्रीम बट इट मे कॉज डेथ वेन टेकन इन लार्ज डोजेस, जो कि थे मॉर्फियस गॉड ऑफ डेथ. देखो ये एक स्टोरी है, स्टोरी के जैसे समझो, बट इट हैव सम फैक्ट. आप इन चीज़ों के थ्रू याद कर सकते हो. क्या याद कर सकते हो? कि मॉर्फिन स्लीप बींग यूज़ करता है, ठीक है, ड्रीम्स उसके बाद ही आते, कॉर्स स्लीप इंड्यूस करता है, एंड देन ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इनटेक करें तो डेथ हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लाइक नेचुरली, अब हमने हिस्ट्री तो देख लिया, अब हम मॉर्फिन पे आते हैं. व्हाट इज़ मॉर्फिन? सो मॉर्फिन इज़ अ नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड. ओपियम प्लांट है, ओपियम का एल्कलॉइड है भाई मॉर्फिन. ओके, सो क्या है मॉर्फिन? ओपियम का एल्कलॉइड है. इट इज़ डिराइव्ड, इट इज़ अ ड्राइड एक्सट्रैक्ट. It is a dried extract that is obtained from the capsules of poppy plant. So poppy plant कैसा होता है? ऐसे green सा capsule होता है, उसमें ऐसे हम अगर insertions करें so क्या होता है, यहाँ से हम dried extract निकाल सकते हैं morphine का. Okay, and this plant is known as Papaver seminifera. ठीक है, okay. It requires approximately 10 kg of raw opium to produce 1 kg of morphine. तो 10 किलो आपको ओपियम चाहिए 1 किलो मॉर्फिन बनाने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट हमने देखना है क्लासिफिकेशन. सो अकॉर्डिंग टू रिंग स्ट्रक्चर हमने दो कैटेगरीज बनाई है, ठीक है, पेंथोरीन डेरिवेटिव्स एंड बेंजो आइसोफिनोलिन डेरिवेटिव्स. सो इसमें आ जाएंगे मॉर्फिन, थियाबीन एंड कोडीन. बेंजो आइसोफिनोलिन डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे पेपावरीन एंड नेस्कोपाइन, ठीक है, नोस्कोपाइन. सो ये आपके दो कैटेगरीज हैं जिनमें एग्जाम्पल्स हैं. देन वी हैव अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस. पहला क्या है? नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड जो नेचुरली हमें मिलता है, सिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है. सो वो है मॉर्फिन कोडीन. सेमी सिंथेटिक क्या है? आप नेचुरल एलिमेंट लेके क्या क्रिएट कर रहे हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप एलिमेंट्स बना रहे हो, दैट इज हेरोइन एंड फैलोकोडीन. सो ये हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन.